फाइनली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया Wazirx की तरफ से। लगभग 1.5 महीना हो चुका है और उसके बाद आज ही एक ऐसा अपडेट आया है जो आपको बहुत खुश करने वाला है। तो अगर आपके भी Wazirx के ऊपर एसेट्स पड़े हैं, INR में फंड्स पड़ा था, तो उसको लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वॉफ्ट पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वॉफ्ट ऑफिशियल। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। अभी हम चलते हैं मेन अपडेट के ऊपर। Wazirx ऐप अगर आप खोलोगे तो आपको ऊपर ही दिख जाएगा अपडेट ऑन INR विड्रॉल्स एंड क्रिप्टो नेक्स्ट स्टेप्स। तो सब कुछ अब इन्होंने बता दिया। निश्चित शेट्टी ने इन्होंने एक ट्वीट किया है और इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि INR फीस को रिड्यूस कर दिया गया 25 से 10 रुपये तक। अब इसका मतलब ये क्या है कि INR के विड्रॉल्स इनेबल होने जा रहे हैं, जो कि 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि आज से 2 दिन बाद। तो फाइनली आप विड्रॉल्स कर पाओगे INR के, जो भी आपके INR पड़े थे, आपने जितने भी रखे हुए थे, उनको आप इजीली विड्रॉ कर पाओगे। तो चाहे क्रिप्टो को लेकर कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट INR जो आपका था वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये 26 तारीख को होगा। अब इसका फ़ायदा ये है कंपनी को और हमें, ये कि हमें ये कि हम अपना INR निकाल पाएंगे, INR को यूज़ कर पाएंगे। कंपनी को ये फ़ायदा है कि 10-10 रुपये के हिसाब से अगर ये फीस भी इकट्ठी करते हैं, तो उस फीस से क्या है कि शायद इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि कंपनी को भी एक रेवेन्यू चाहिए, उसी रेवेन्यू को यूज़ करके शायद ये अपना जो हैक हुआ है उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि दोनों तरफ फ़ायदा होने वाला है, कंपनी को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा, अपना विड्रॉल ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्रिटिकल है, वो ये कि विड्रॉल्स विल बी प्रोवाइडेड इन 2 फेसेस। यानी कि अभी जो विड्रॉल्स मिल रहे हैं ये पहला फेज़ ही है। तो इस फेज़ में क्या है कि INR के विड्रॉल्स अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला होने वाला है फेज़, आई थिंक वो क्रिप्टो एसेट्स का ही होगा, जो कि अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है यूज़र्स का लीगल प्रोसेस के द्वारा। यानी कि यहाँ पे लीगल प्रोसेस को चलाया जाएगा, क्योंकि लीगल अगर होगा तभी क्या है कि एसेट्स को वापस लाया जा सकते हैं। जैसे कि इन जनरल अगर किसी भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन में हैक होता है, जैसे कि किसी बैंक में होता है, तो वहाँ पे लीगल प्रोसेस चलेगा ही चलेगा, जिसमें सेबी इन्वॉल्व होगा, RBI इन्वॉल्व होगा और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लीगल प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ही हमें क्रिप्टो एसेट्स वापस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट किया है इसमें ये बताया कि एक बहुत ही कठिन महीना निकला है, जो कि 18 जुलाई से लेकर अभी तक है, जो कि एक महीना या फिर उससे ज़्यादा ऊपर बनता है, जिसमें विड्रॉल सस्पेंड कर दिए गए थे, ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी गई थी और ये अपने दोनों कंसर्न्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बैलेंस और INR बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो 2 फेज़ की बात कर रहे हैं, इसमें 2 फेज़ INR के विड्रॉल में भी है। यानी कि INR को अगर आप विड्रॉ करोगे तो 66% INR ही आप विड्रॉ कर पाओगे, जो कि आप 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक कर सकते हो। ये पहला फेज़ रहेगा जिसमें 66% आप विड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद ये 9 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको आप विड्रॉ कर पाओगे। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपका लॉस तो अभी भी 34% होने ही वाला है। अब इस चीज़ को आप इस तरीके से समझो कि आपके फंड्स हैं, आपका फंड्स INR में पड़ा हुआ था एक्सचेंज के ऊपर, तो शायद आपने एक बार तो गलती कर ही दी कि आपने फंड्स वहाँ पे रखे। लेकिन कंपनी का या फिर Wazirx जो एक्चुअल में हैक हुआ है, वो हैक तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज का हुआ था, क्रिप्टो एसेट्स का हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो ये है कि क्रिप्टो एसेट्स के साथ साथ ये हमारा INR भी होल्ड कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। INR 1 महीने से होल्ड पे था, लेकिन अभी क्या है कि ये फिर से सिर्फ 66% ही मिलेगा, 34% उसके बाद जब डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा उसके बाद पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद हमें ये मिलेगा। तो सभी यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि ये 34% क्यों होल्ड किया जा रहा है, हमें पूरा 100% अमाउंट वापस मिलना चाहिए, क्योंकि सभी को अपना पैसा तो चाहिए चाहिए और सभी को ट्रेड भी करना है। और 1 महीने से ट्रेडिंग जो रुकी हुई है, वो ट्रेड करके कितना बड़ा लॉस हो रहा है सभी का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है प्रत्येक ट्रेडर के लिए। तो पेशेंस रखने का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट्स में हमें अमाउंट मिल रहा है, लेकिन 100% मिलना चाहिए था, क्योंकि INR में यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए थी, INR को डायरेक्टली विड्रॉ करने देना चाहिए था। लेकिन ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने 34% बैलेंसेस को फ्रीज किया है, ये क्यों किया है? ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं थर्ड पार्टी एंटिटीज़ की, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका यूज़र्स के ऊपर इतना बड़ा असर क्यों पड़ रहा है? अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो 66% आपको INR बैलेंस मिलेगा, उसका हाफ ही आप निकाल पाओगे, जो कि आप 26 से 8 सितंबर तक निकालोगे। उसके बाद बाकी का जो हाफ बचता है वो आप 9 से 22 सितंबर तक निकाल पाओगे। यानी कि ये 66% निकाल पाओगे, लेकिन ये भी पूरे 1 महीने में, अगली 22 सितंबर तक। लेकिन फिर से यहाँ क्या है कि 34% तो फिर से फंस गया, यानी कि हमारा अमाउंट फिर भी हमें नहीं मिलने वाला।
अब इस चीज़ का जवाब कोई भी नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई भी इसका रीज़न नहीं है, कोई भी वैलिड रीज़न नहीं सामने आया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि INR अमाउंट सिर्फ हमारा था और इसमें कोई हैक भी नहीं हुआ है। हैक हुआ तो वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज का ही हुआ था, यानी कि सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट्स का ही हुआ था। तो आपके क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉर फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली बार नई अपडेट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।